अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू किंग बट केयर। दोस्तों कैसे हैं आप लोग, मैं हूं अशफाक अहमद। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पाइट डफ के अंदर एक मसला आ रहा है, इनके मुंह के अंदर जो है वो इन्फेक्शन आ रहा है। अच्छा, पाइट डफ के अंदर या डायमंड डफ के अंदर ये आ सकता है। हमारे पास जो है वो रेड पाइट डफ के अंदर ये एक सिनेरियो देखने को मिला है। अच्छा, इसके अंदर जो है वो डफ खा पी नहीं सकता, मुँह के अंदर वो इन्फेक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से और बर्ड जो है वो सीख में आके एक्सपायर हो जाता है। हमने जो है वो क्या करना है, किस तरह इसका ट्रीटमेंट करना है, किस तरह इसको डायग्नोज करना है, ये सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, वीडियो को मिस नहीं कीजिएगा और वीडियो को शेयर ज़रूर करना है आपने। ख़ास तौर पर इस किस्म की वीडियो होती है जिसके अंदर किसी मसलों का हल बताया जा रहा होता है या जो करंट बीमारियाँ चल रही हैं उनके हवाले से बताया जा रहा होता है, इन वीडियो को आपने लाजमी शेयर करना है। बहुत से लोग न्यू कमर आ रहे हैं, पाइट डफ के रेट भी आपको पता है कि डफ के रेट काफ़ी डाउन हुए हैं, जिसकी वजह से न्यू कमर जो है वो उसके अंदर तेज़ी से आ रहे हैं, तो जिसकी वजह से ये अवेयरनेस फैलना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ऐसा मैं समझता हूँ। तो आपने इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना है, चैनल को अगर आप सब्सक्राइब करना चाहें, इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो अगर आप आगे भी लेना चाह रहे हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं आज की वीडियो, लेट्स गो। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक रेड पाइट का पीस है, माशाल्लाह से सुप्रीम क्वालिटी। अच्छा जी, अब यहाँ पर अगर आप गौर से देखें इसके मुंह की तरफ, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे इसने जो गन्नू का दाना होता है वो अपने मुंह में पकड़ा हुआ है, बट ऐसा नहीं है, ये इन्फेक्शन है। अभी मैं आके आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये बताने का मकसद ये है कि बाद टाइम लोग इस चीज़ से भी धोखा खा जाते हैं कि शायद जो है वो इसने कोई चीज़ पकड़ी हुई है मुँह में। ये देखें, मैं थोड़ा सा आपको क्लोज़अप भी पकड़ के दिखा देता हूँ। तो ये जो है वो इसके मुंह में दाना नहीं है, ये दरअसल इन्फेक्शन है जो इसके मुंह के नीचे की साइड और ऊपर की साइड जो है वो फूल गई है, जिसकी वजह से। और अब इसकी चोंच भी जो है वो खुली भी है, ये काफ़ी वर्स कंडीशन है, इसकी चोंच भी खुली हुई है और अब ये कोई चीज़ खा पी नहीं सकता, ये ऐसी कंडीशन में है। और ये बर्ड इस वक्त काफ़ी ज़्यादा सीप में भी आया हुआ है, अगर आप इसका सीना देखें तो ये बुरी तरह सीप में आया हुआ है। अच्छा, अब समझने वाली बात यह है कि ये डायग्नोस करना है कि ये हुआ क्यों है, इसकी रीज़न क्या है ये होने का। तो उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि देखें, अभी जो है वो बारिशों का मौसम चल रहा है, आप सबको पता ही है बारिशों के मौसम में नमी बहुत ज़्यादा होती है, हवा में वैसे ही नमी होती है और बारिश बूंदी भी होती रहती है। डफ का सीन ये है कि डफ जो है वो गंदगी जो है वो ज़्यादा नहीं करते, इस वजह से बहुत से लोग जो है वो डफ की सफाई डेली बेसिस के ऊपर नहीं करते, ख़ास तौर पर वो लोग जिन्होंने केज बाई केज डफ को प्लेस किया हुआ है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर जब आप बारिशों का मौसम हो, डफ हो या दूसरे परिंदे हों, आपने उनकी ट्रे की सफाई डेली बेसिस के ऊपर करनी है, क्योंकि नमी की वजह से जो है जो भी गंदगी होती है उसकी वजह से बर्ड्स आपका बीमार हो सकता है। काफ़ी सारी बीमारियां जो है ना वो इसी वजह से होती हैं कि बारिशों के मौसम के अंदर हम तो अपनी रूटीन में ही चल रहे होते हैं जिस तरह सफाई करते हैं, मगर ये कि थोड़ी सी हमने ज़्यादा सफाई कर ली है। और ट्रे को अगर आपने जैसे केज में केज लगाया हुआ है तो ट्रे को आपने वीकली वॉश भी करना है लाजमी, क्यों, क्योंकि डस्ट भी उड़ती है, डस्ट भी जमती है और उसके बाद नमी की वजह से उसके अंदर बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं, जिसकी वजह से बर्ड को इस किस्म के इश्यूज़ का सामना करना पड़ सकता है। अच्छा, इसका एक और रीज़न ये हो सकता है कि ट्रे में अक्सर ये दाना बिखरा के खाते हैं और ट्रे में इनकी ड्रॉपिंग वगैरह भी होती हैं, तो उसकी वजह से भी जो है वो थोड़ा बैक्टीरिया ग्रो कर सकता है और इनके मुंह में उसकी वजह से भी इन्फेक्शन हो जाता है। ये दो जो है वो मेन रीज़न है, और भी रीज़न हो सकते हैं मगर ये दो मेन रीज़न है जिसकी वजह से ऐसा होता है। अब हम बात करते हैं कि इसका ट्रीटमेंट हम किस तरह कर सकते हैं। अच्छा, जो भी मैं ट्रीटमेंट बताता हूँ देखें वो मेरे अपना तजर्बा होता है, जिसकी वजह से मुझे रिज़ल्ट मिला होता है तो मैं आगे आप लोगों से शेयर कर रहा होता हूँ। बहुत से लोगों के अलग तरीके हैं, तो अगर कोई और बंदा कोई और तरीका बता रहा है तो पॉसिबल है कि वो भी सही बता रहा हो। अच्छा जी, एक टैबलेट आती है एथ्रोसिन के नाम से, आपको मेडिकल स्टोर से मिल जाएगी। अक्सर जब हमारा गला ख़राब होता है तो हम लोग भी मेडिकल स्टोर से लेकर इसको यूज़ करते हैं। यहाँ पर मैं जो है वो पिक्चर भी लगा रहा हूँ ताकि और क्लैरिटी हो सके। ये आपने ले ली है 250 mg की, आप ले लें काफ़ी रहेगी। अच्छा जी, ये टैबलेट आपने लिया और इसको जो है वो आपने पीस लेना है। अच्छा, टैबलेट पीसने के बाद दूसरी मेडिसिन इसके अंदर ऐड करनी है, वो है फ्लैजियल इंजेक्शन। यहाँ पर बहुत से लोग जो है वो सिरप भी यूज़ करते हैं, मगर मेरा एक्सपीरियंस इंजेक्शन का ज़्यादा बेहतर रहा है, तो मैं आपको इंजेक्शन ही प्रेफर करूँगा। इंजेक्शन आपने ले लेना है। अच्छा, उसको सिरिंज की मदद से हमने इंजेक्शन को थोड़ा सा लेना है और इस पाउडर के अंदर जो हमने टैबलेट पीसी थी उसके अंदर मिक्स कर देना है और इसको पेस्ट की फॉर्म में जो है वो बना लेना है।
थोड़ा सा लिक्विड पेस्ट हो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अच्छा, ये पेस्ट आपने इंजेक्शन की मदद से सिरिंज निडल निकाल के सिरिंज की मदद से जो है वो आपने इंजेक्ट कर देना है इसके मुंह में। अच्छा, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी भी नहीं होगी, थोड़ी सी क्वांटिटी होगी, भले आप जो है वो आधी उसका कर लें या थोड़ा सा ज़ाया भी होगा, जाहिर सी बात है। अच्छा, ये आपने लेना है सुबह और शाम दो टाइम अपने बड्स को जो है वो अप्लाई करना है आपने, सुबह भी और शाम भी, दो चार दिन के अंदर ही जो है वो इंशाल्लाह आपका बड जो है वो सेहतियाब हो जाएगा। शाम के अंदर तो खास तौर पे वजह ये है कि अक्सर कुछ दवाई जो है वो उसके पेट में चली जाएगी, कुछ दवाई जो है वो उसके मुँह में लगी रह जाएगी, तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा रिकवरी के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। तो इसके माउथ का इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट जो है वो आप इस तरह कर सकते हैं, चाहे कोई भी डफ हो, डायमंड डफ हो, पाई डफ हो या फिर रेड डफ हो, तो आप इस तरह जो है वो इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप डायमंड पाइट जो है वो परचेज़ करना चाह रहे हैं तो वहाँ पर अवेलेबल है, डायमंड पाइट आप परचेज़ कर सकते हैं। फर्स्ट ब्रीड वाले पेयर भी जो है वो आप परचेज़ कर सकते हैं, ये देखें ये सारे जो है वो फर्स्ट ब्रीड के पेयर हैं। अच्छा, इसके साथ आप के लिए ब्रीडर पेयर भी अवेलेबल हैं, और इसके अलावा कुछ पेयर जो है वो बच्चों के साथ भी अवेलेबल हैं। अंडों की जो है वो बेकार है, क्योंकि अंडे जो है वो ट्रांसपोर्ट के अंदर फिर वो अंडे छोड़ देते हैं, अंडों पर नहीं बैठते, तो ब्रीडर पेयर या फिर बच्चों वाले पेयर को ही कंसिडर कर सकते हैं आप। अच्छा, और भी काफ़ी पेयर हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मेरा नंबर जो है वो स्क्रीन पे भी आ रहा होगा, डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। अच्छा, ये जो है वो सिर्फ कराची वालों के लिए है, मेरी लोकेशन जो है वो कराची की है, तो अगर आप कराची से ब्लॉग करते हैं और आप इंटरेस्टेड हैं पाइट डफ लेने में, तो आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ टाइम पहले मैंने एक वीडियो डाली थी जिसके अंदर मैंने पाइट डफ की आई इन्फेक्शन के बारे में जो है वो जिक्र किया था और एक ट्रीटमेंट भी करके दिखाया था आपको कि किस तरह जो है वो हम इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। नॉर्मली आई इन्फेक्शन से हट के एक इन्फेक्शन जो है वो सामने डायग्नोज हुआ था, तो वो बर्ड भी जो है वो काफ़ी रिकवर हो चुका है माशाल्लाह से, अब हेल्दी एंड एक्टिव है, काफ़ी हद तक जो है वो सीप भी उसकी रिकवर हो चुकी है। बाकी बर्ड्स का बचना ना बचना तो अल्लाह के हाथ में है, देखें हम अपनी तरफ से कोशिश कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को आपने शेयर ज़रूर करना है, हो सकता है कि आपके एक शेयर से किसी के लिए आसानी हो सके। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलते हैं, अपना और अपने बर्ड्स का बहुत ख्याल रखिए, टेक केयर।